प्रधानमंत्री मोदी ने कुनो नेशनल पार्क में छोड़े अफ्रीकन चीते। स्वसहायता सम्मेलन की महिलाओं से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में नेशनल पार्क कुनो में अफ्रीका के नमीबिया से लाए गए चीतों को बाड़े में छोड़ा और कहा जहां कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को फिलहाल कुछ समय के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद चीतों को खुला छोड़ा जाएगा। कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में चीतों की वापसी से अब जैव विविधता की टूटी कड़ी जुड़ गई है। भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अभयारण्य में चीतों को छोड़कर देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं कुनो नेशनल पार्क में नमीबिया से आए चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने कराहल में स्वसहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक विमानन व इस्पात मंत्री सिंधिया भी कराहल पहुंचे। स्वसहायता समूह के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वसहायता समूह के सम्मेलन में उपस्थित समूह की लगभग 1,20,000 महिलाओं को संबोधित किया। वहीं स्वसहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। मोदी ने दो स्वसहायता समूह को 10-10 लाख रुपए के ऋण के चेक भी प्रदान किए। अंत में कुनो में विस्थापित चीतों की सुरक्षा को लेकर स्वसहायता समूह सम्मेलन के माध्यम से संवेदनशीलता बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में चीते विदेशी मेहमान हैं जो देश की धरती पर 75 साल बाद वापस लौटे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। देखिए चीते भारत में आना सोलह साल से प्रयास हो रहा है, पिछली सरकारों में भी प्रयास होते रहे, कांग्रेस सरकार ने भी प्रयास किया, मनमोहन सिंह सरकार में प्रयास हुआ, जयराम रमेश बर्मन जी तब प्रयास हुआ।